बच्चों, मैं दीपा वर्मा अभिप्सा एजुकेशन फॉर एक्सलेंस के इस ई लर्निंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसे कि आप अच्छे से जान रहे, हम अपने एग्जाम सीरीज में आ चुके हैं और अभी कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, जो क्या है हमारा मिशन 2023, जिसमें कक्षा 10वीं और 12वीं की हम क्या कर रहे हैं, आपको बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जो आपके मार्च से शुरू होने वाली है ना बच्चों। तो मैं आपको कक्षा 10वीं के सामाजिक विज्ञान को डील कर रही हूँ, जिसमें अभी तक हम अपने 2 अध्याय कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम अपने 3रे अध्याय पर आ चुके हैं। ठीक है, तो आज का अध्याय कौन सा होगा? अध्याय 17, विकास की समझ। ये किसके अंतर्गत आता है? अर्थशास्त्र के अंतर्गत। ठीक है, तो जैसे देखो हम क्या थे, इकाई 1 के संसाधन और विकास और भूमि संसाधन को अभी तक कर चुके थे और इस इकाई से कुल 9 अंक के प्रश्न आने हैं। तो यहाँ हमने 1, 2, 4 अंकों के, यहाँ भी हमने 1, 2, 4 अंकों के प्रश्न देखे हैं। इस आज हम विकास की समझ को भी समझेंगे, जहाँ हम 1, 2 व 4 संभाव्यता इस प्रश्न को देखेंगे। लेकिन अगर विकास की समझ की बात की जाए तो इसमें जो ये 2 अंक का एक प्रश्न है वो अधिकतर विकास की समझ से ही आता है। ठीक है, तो इस चैप्टर को हम उस व्यू से देख के चलेंगे। ठीक है, उतने मार्किंग के अकॉर्डिंग हम इसको तैयार करेंगे। ठीक है, तो चलो अगर पूरे विकास की समझ जो आपका चैप्टर है उसको हम समझें, विकास की समझ, संसाधन और विकास है ना, यहाँ पे सब कुछ हमारे विकास पे ही संभावित है भैया, कि विकास करना क्या है, विकास कैसे होगा। तो अब विकास की समझ, तो ये बच्चों देखो ये जो चैप्टर है ना वो आपकी समझ पे ज़्यादा है। जैसे विकास की समझ बोल दिया ना, मतलब ये आपकी अपनी समझ से है, कोई पुस्तकीय ज्ञान, पुस्तक में लिखे हुए वर्ड्स या किसी आपके अन्य पुस्तकों में लिखे हुए वर्ड्स ज़्यादा इसको अच्छे आंसर नहीं देंगे, जितना आप इसको समझ पाएंगे कि विकास होता क्या है ना। इसलिए चैप्टर का नाम भी दिए गए कि विकास की समझ। जैसे 2 अलग अलग पर्सन होंगे तो वो उस, जैसे एक रिक्शा वाले के लिए विकास क्या होगा कि उसके पास अच्छा घर आ जाए, उसको रोज काम मिले, है ना। वहीं एक शहर में रहने वाले बच्चे के लिए क्या होगा, मुझे अच्छी शिक्षा मिले, विकास उसके लिए विकास होगा। एक बीमार व्यक्ति के लिए क्या होगा कि उसको अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, उसके लिए विकास होगा कि अगर उसे अच्छे अस्पताल मिल जाए। तो विकास क्या है, अलग अलग दृष्टियों में अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग क्या है, मान्य है इसके लिए, है ना, आवश्यकता के अनुरूप क्या है, विकास है ना। तो वही क्या होती है, 2 लोगों के बीच इसके क्या आते, दृष्टि भी अलग होती। तो उन दोनों 2 पर्सन के लिए क्या होगा, 1 पर्सन के लिए विकास कुछ और होगा तो दूसरे पर्सन के लिए विकास अलग होगा, है ना। इसीलिए कहा गया विकास की समझ, कि हमें अगर पूरे देश को लेकर चलना है तो विकास क्या होगा, विकास के मायने क्या होंगे, तो इस चैप्टर में आपको वो समझना है बच्चे। ठीक है, तो देखो हम पहले क्या समझेंगे, विकास। विकास क्या है भाई, कि मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति अगर वो हो जा रही है तो मेरे लिए विकास है। मेरे को अच्छा जल पानी मिल रहा है, स्वास्थ्य सेवाएं मिल रही है, शिक्षा मिल रही है ना। हम अभी पढ़ने के लिए बैठे, अगर आप घर में बैठकर पढ़ पा रहे हैं अच्छे से, है ना, आप स्कूल जा रहे पा रहे हैं, आपके स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, आपके टीचर्स आपको अच्छे से पढ़ा रहे हैं, है ना, तो ये क्या है, आपके लिए विकास है। आपके गांव शहर आप जहाँ रह रहे हैं, है ना, वहाँ की आसपास की वातावरण बहुत अच्छा है, सड़कें अच्छी है, आप एक शहर से दूसरे शहर अच्छे से जा सकते हो, तो ये सब क्या होगा, विकास होगा। ठीक है, अब देखो विकास की योजनाओं में विरोधाभास। ठीक है, अगर कोई एक उद्योगपति आया और आपके गांव पे क्या करेगा, फैक्ट्री लगा दिया, तो क्या हो गया भाई, वो तो उसके लिए विकास है ना, कि वो उद्योग लगा रहा है, अपनी निवेश अपनी पूंजी उसमें लगा रहा है, वहाँ पे रोजगार देगा, वहाँ पे फैक्ट्रीज लगेंगी, तो क्या होगा, प्रोडक्शन होगा, फिर देश की आय बढ़ेगी, उसके लिए विकास हो गया। लेकिन वहाँ गांव के जो रहवासी हैं उनके लिए क्या होगा, ये विकास नहीं, क्योंकि उनको अपना जो घर है वो छोड़कर क्या दूसरे जगह जाना पड़ेगा, क्योंकि उनके पूरे जगह को ही लेकर क्या किया जा रहा है, उद्योग स्थापित कर रहे हैं, तो क्या होगा, उनको अपने रहवास जो उनकी जगह है उसको छोड़कर वो जाना होगा। तो उद्योगपति के लिए वो विकास हुआ, लेकिन उस जो वहाँ के व्यक्ति हैं, वहाँ के निजी निवासी हैं, उनके लिए क्या होगा, ये विरोधाभास हो जाएगा कि हमें अपनी जमीन छोड़कर क्यों जाना पड़े। तो यही होते हैं विकास योजनाओं में, जब आप कोई योजना बनाते हैं या कोई चीज़ें बनाते हैं तो वो किसी के लिए विकास भी हो सकता है तो वो किसी के लिए अविकास भी हो सकता है। ठीक है, आय के मापदंड और आय का वितरण। ठीक है, जैसे अब पूरे देश है उसमें विकास करना है तो विकास इट मीन्स क्या, हमें अच्छी समृद्धि चाहिए, लोगों के पास आय अच्छी होनी चाहिए जिसके वो क्या होगा, अपनी ज़रूरतें की चीज़ों को अच्छे से खरीद पाए, यही तो विकास होगा। तो क्या होता है, एक बड़ी आय, बड़ी जनसंख्या है ना हमारे ग्रामीण क्षेत्रों की, या रूरल समझ लो एक बड़ा कस्बा अपना क्षेत्र होता है जिसमें कम आय के लोग रहते हैं ना, उसमें जनसंख्या समझ लीजिए आपका 70 से 75 आता है, और एक वर्ग है जिसके पास जो बहुत 10 से 15% है ना, लेकिन जिसके पास आय का एक बड़ा प्रतिशत है। ठीक है, तो क्या होता है इसमें, क्या है, कम लोग लेकिन आय उनके पास ज्यादा, यहाँ पे ज्यादा लोग है लेकिन आय क्या है उनके पास कम है, तो क्या होगा,
इनबैलेंस होगा तो यही क्या होता है, आय का असमान वितरण। और जब आय का असमान वितरण होगा तो ये जो आवश्यकताओं की चीजें हैं इनके पास भरपूर होगा, और इनकी जो आवश्यकताओं की चीजें इनके पास भरपूर नहीं होगा, है ना। तो यही होता है आय के मापदंड और आय का वितरण, कि आय का असमान वितरण होता है, जिससे क्या होता है देश की जो विकास की पटरी है वो क्या होती है, गाड़ी डगमगाते रहती है। ठीक है, आय के असमान वितरण के प्रभाव वही पढ़ेंगे हम, है ना। उपभोग व्यय, अब क्या होगा अगर किसी देश के विकास को समझना है तो सिर्फ क्या आप आय के आधार पर देख सकते हैं कि इसकी आय 100 रुपए है, इसकी आय 200 रुपए है, तो भाई ये कम विकसित है, ये विकसित है, या सभी अगर देश के लोग 500 रुपए कमा रहे हैं तो पूरा देश ही विकसित है, ऐसा हो पाएगा क्या? नहीं हो सकता है। वो 500 रुपए कमाने वाले के घर में 10 लोग हो तो उसका उपभोग क्या हो जाएगा? अगर 10 लोग है तो 2-2 रोटी खाएंगे, इसके इस वर्ग वाले के पास 500 रुपए वो, लेकिन 2 ही लोग है तो इसके पास 5-5 रोटी खाएंगे, तो उपभोग क्या हो रहा है? यहाँ पे सदस्य ज्यादा लेकिन उपभोग कम, यहाँ पे सदस्य कम लेकिन उपभोग ज्यादा, तो क्या हो रही है? यहाँ पे भी इनबैलेंस हो रहा है। तो इसी को हम आय के आधार पर ना देख के उपभोग व्यय के आधार पर देखते हैं कि कोई व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं के लिए कितना व्यय करता है, तो इसके आधार पर क्या होता है, हम देश की आय को अन्य रूप से मापते हैं। ठीक है, तो यही क्या होता है, उपभोग व्यय। ठीक है बच्चे, अब विकास के अन्य सूचक, हमने आय देखा, उपभोग व्यय देखा कि कोई कितना आय है तो कितना वो उपभोग कर सकता है, लेकिन विकास का क्या सिर्फ आय के आधार पर तो होगा, कि कोई बहुत ज्यादा अगर सभी के पास आय है लेकिन अगर वो पढ़े लिखे नहीं होंगे, स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं होंगी, तो क्या उसको आप विकास मानोगे? नहीं ना। अगर आपके पूरे देश के लोग, आपके पूरे गांव के लोग अनपढ़ हैं, वो पढ़ना लिखना नहीं जानते हैं, अशिक्षित हैं, तो क्या वो विकसित होंगे? क्या वो विकास की योजनाओं को समझ पाएंगे? क्या कल अपने कल के बेहतर के लिए वो समझ पाएंगे? क्या वो शिक्षा स्वास्थ्य के महत्व को समझ पाएंगे? नहीं। तो अगर देश का विकास करना है तो हमें शिक्षा भी इम्पोर्टेंट है और स्वास्थ्य सेवाएं भी। स्वास्थ्य सेवाएं इसलिए कि जब आप स्वस्थ रहोगे, है ना बच्चे, तो आप स्कूल जाओगे। अगर कोई बच्चा तंदुरुस्त है तो वो कहीं भी खेलने दौड़ने निकल सकता है, पढ़ाई करने को कभी भी बैठ सकता है, लेकिन वहीं अगर कोई बच्चा कमजोर है तो वो क्या होगा, आधे दिन तो वो पढ़ाई अच्छे से नहीं कर पाएगा, स्कूल नहीं जा पाएगा, फिर आगे काम नहीं कर पाएगा, तो क्या हुआ? स्वास्थ्य सेवाएं इसलिए देश में बहुत जरूरी होती है बच्चे, है ना। तो इसलिए विकास के अन्य सूचक की बात की जाए तो शिक्षा और स्वास्थ्य। ठीक है, अब हमारे देश में विकास करना है तो पुरुष भी है, महिला भी है। शुरू से हमारे देश क्या पुरुष प्रधान देश रहा है, इसलिए शिक्षा जो स्टार्टिंग से होती आई है वो क्या पुरुषों की ज्यादा होती आई। इस मामले में क्या हुई, फिर महिलाओं की शिक्षा कम होती रही। ठीक है, इसलिए अगर देश को विकसित करना है तो अगर दोनों ही एक सिक्के के पहलू हैं तो हमें दोनों को पढ़ाना होगा, दोनों की सुविधाएं जो है वो बराबर देनी होंगी। इसलिए अगर हमें देश को विकास करना है तो महिलाओं को भी शिक्षा हमें प्रदान करना होगा। ठीक है, तो हम क्या पढ़ेंगे, शिक्षा का महिलाओं पर प्रभाव। ठीक है, फिर मानव विकास सूचकांक, ये क्या होती है, ये विश्व स्तरीय अगर देशों को हमने विकास के आधार पर नापना है तो हम क्या देखते हैं, मानव विकास सूचकांक। तो ये पूरे चैप्टर का एक सारांश है, मैंने कहा था ना आपको एक पहले चैप्टर को पूरा बताऊंगी उसके बाद मैं आपको प्रश्न पर ले जाऊंगी। जब आप पूरे चैप्टर को उस तरह से समझोगे तो आप इंटरलिंकिंग के थ्रू क्या कर पाओगे, उस प्रश्नों का उत्तर खुद से भी दे पाओगे। और ये जो चैप्टर है पूरे विकास की अपने समझ पे, अगर आप इसको भी पूरा समझ लिए तो आप हर आंसर को देने में क्या होगे, सक्षम होगे। ठीक है, तो चलो अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं, प्रश्नों पे आते हैं। ठीक है बच्चे, तो पहला क्या है, सरकार द्वारा बिजली की सुविधा किस लिए प्रदान की जाती है। ठीक है, बताओ बिजली की सुविधा अगर प्रदान की जाती है तो उससे क्या होगा, हर घर में लाइट आएगा, बिजली की सुविधा होगी तो हम अपने कार्य क्या दैनिक जो दैनिक जीवन के कार्य अच्छे से कर पाएंगे। तो जब हर किसी के लिए हो रहा है तो क्या होगा, सार्वजनिक हित, है ना। तो जो सरकार द्वारा बिजली की सुविधा प्रदान की जाती है वो सार्वजनिक हित के लिए की जाती है। ठीक है, तो सार्वजनिक हित क्या है, जब हम सभी लोगों के हित या सार्वजनिक हित की बात करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, सार्वजनिक हित। ठीक है, तो सरकार द्वारा बिजली की सुविधा भी किस लिए दी जाती है, सार्वजनिक हित के लिए दी जाती है। ठीक है, तो आपको ये 2 मार्क्स ही क्वेश्चन आएंगे बच्चे इस चैप्टर से, है ना, तो आपको वैसे ही आंसर फ्रेम करना है। ठीक है, अगला, विकास की योजनाओं में विरोधाभास के उदाहरण सहित समझाइए। ये जो क्वेश्चन होगा वो 4 मार्क्स में आ सकता है। ठीक है, तो आपको ऐसा लिख बताना होगा कि विकास क्या है, तो वहां पे लोगों को रोजगार भी देगा, आसपास के लोगों को काम मिलेगा, है ना। लेकिन इस गांव वाले के लिए क्या हो गया बताओ, इसके लिए तो विकास नहीं है क्योंकि इसको अपना जमीन देना पड़ा उद्योग लगाने के लिए। दूसरा, इसको अपने घर से दूसरे जगह जाना पड़ेगा। तीसरा, अगर वो वहां पे रह रहा है तो वहां पे प्रदूषण होगा, तो इसके लिए तो वो अविकास ज्यादा हुआ ना। चलो इसके घर के एक को रोजगार मिल गया, लेकिन उसके बाद वहां पे जो इम्पैक्ट पड़ेगा, उसकी कृषि भूमि ले लिया उद्योग लगाने के लिए, तो इसके लिए क्या हो गया भाई, वो इसके घर को लेकर अगर हम फैक्ट्री लगाएंगे तो इसका घर तो चला गया,
ठीक है, यही क्या होती है, विकास की योजनाओं में विरोधाभास, ठीक है, उद्योगों की स्थापना व खनिजों के उत्खनन के लिए अधिक मात्रा में भूमि अधिग्रहण किया जाता है, जिससे बहुत अधिक लोग प्रभावित होते हैं, उन्हें विस्थापन हेतु मजबूर होना पड़ता है, पुनर्वास की सुविधा भी उपलब्ध नहीं हो पाती, उन्हें अपनी संस्कृति एवं आजीविका को बेदखल होना पड़ता है। भाई अगर उत्खनन करना है तो भी हमें क्या हो गया, वहाँ पर की जमीन को लेनी पड़ेगी, फैक्ट्री लगानी तो वहाँ पर की जमीन को लेना पड़ेगा, मतलब वहाँ पर जो लोग रह रहे हैं उनको विस्थापित करना पड़ेगा। अगर आप जहाँ हमेशा से हैं आपको उठा के किसी अफ्रीका में भेज दिया जाए तो आप कैसे करोगे भाई, आप तो अपने लोगों के साथ रह रहे हो ना, आप छत्तीसगढ़ में रह रहे हो, आपकी अपनी संस्कृति है, आपका अपना जगह है, आपकी अपनी परंपरा है, आपका अपने वो जहाँ जगह से जुड़े हो आपका लगाव है, अगर आप वहां से छोड़ के निकले तो आपकी पूरी संस्कृति खो जाती है, क्योंकि आपके पूरा गांव एक साथ बस के एक जगह नहीं जा सकता और वहां अपने जाके संस्कृति को पालन नहीं कर सकता, तो क्या होता है फिर, ये क्या होते हैं उनके लिए विरोध हो जाता है कि भाई मैं अपना जगह क्यों दूं, ठीक है, उसी की जगह। जब किसी स्थान पर उद्योग की स्थापना होगी तो आसपास के लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे, अधिक मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन होगा। सही बात है कि अगर एक गांव में लग रहा है तो दूसरे गांव वालों को रोजगार मिलेगा, उत्पादन होगा तो सामान बिकेगा भी, सामान बिकेगा तो देश की आय में वृद्धि होगी, तो भाई उद्योगपति का तो विकास हुआ, लेकिन इस बेचारे का क्या, घर छीन गया है ना। तो यही होती है विकास की योजनाओं में विरोधाभास। जैसे दूसरा उदाहरण देखें, शहर को साफ करना है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम पूरे जो गांव शहर के कचरे हैं उसको जाके गांव से शहरों से दूर, अब शहरों से दूर क्या रहता है, गांव रहता है, तो वहां पे हम डंप कर देते हैं, तो भाई शहर तो साफ हो गया लेकिन गांव क्या हो गए, वो प्रदूषित हो गए, है ना। अगर और दूसरा उदाहरण देखो, चलो देखो, जैसे हमको सिंचाई के लिए क्या बनाना है, बांध बनाना है, ठीक है, जैसे आपने गंगरेल बांध देखा होगा, है ना, तो वो भी क्या एक बांध बनाना, तो वो क्या ऐसी खाली जमीन पर बना, नहीं, वहां पर से लोगों को क्या किया गया, विस्थापित किया गया, है ना, तो वहां पे लोगों जो रहते थे उनको अपना जगह छोड़ के कहीं और जाना होगा, होगा, तो यही क्या होता है, फिर से हमको हमने सिंचाई के लिए या बाढ़ नियंत्रण के लिए बांध तो बनाया लेकिन उसकी वजह से वहां के लोगों को हटाया भी, तो ये क्या हो गया भाई, उनकी जगह छीन गई, तो ये उनके लिए विकास नहीं होगा, है ना। तो आपको ऐसे आंसर अपने से खुद फ्रेम करना पड़ेगा, एक सोच डेवलप करनी पड़ेगी बच्चे, जब आप इसको अच्छे से सोच पाओगे ना तभी आप उस अच्छे आंसर को लिख पाओगे, है ना, विकास की समझ आपको खुद समझ से लिखना होगा, ठीक है। अगर आपको इसके आंसर चाहिए तो आप नोट्स नीचे से डाउनलोड कर लेना, ठीक है, चलो आगे देखते हैं। आपके विचार में विकास क्या है भाई, मेरे लिए तो भाई देश की सभी लोगों को जीवन की मूलभूत सुविधाओं की प्राप्ति सुनिश्चित होना, यही क्या होगा, विकास होगा। हमारे लिए क्या है, देश के सभी लोगों को उनके सार्वजनिक हित की जो चीजें हैं वो प्राप्त होना, ये हो गया विकास। जैसे सड़क, स्वास्थ्य, पेयजल, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, स्वच्छता सुविधाओं की पहुंच सभी तक हो, तो ये विकास होगा। शहर के सभी लोगों को पढ़ने के अवसर प्राप्त हो, गाँव शहर के सभी लोगों को पढ़ने के अवसर प्राप्त हो, शहरों में अच्छे सड़कें मिले, गाँव में सबको अच्छे पानी पेयजल पदार्थ मिले, शिक्षा मिले, बिजली मिले, ये सब क्या होंगे, विकास, विकास के मायने होंगे। तो विकास क्या है, सभी की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति, ठीक है, चलो आगे देखते हैं। विकास के मामले मापने के दो संकेत के नाम लिखिए, देश के सभी लोगों की जीवन की मूलभूत आवश्यकता सुविधाओं की प्राप्ति होना सुनिश्चित होना क्या है, विकास है, ठीक है। तो कैसे उसको माप सकते हैं भाई, कि प्रति व्यक्ति आय कितनी है, आय जितनी होगी तो उसके हिसाब से क्या अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है। देश में सकल घरेलू उत्पाद, मतलब देश में कितना उत्पादन हो रहा है जिससे हम देश की आय निकाल पाए, शिक्षा स्तर कितना है, स्वास्थ्य, जीवन प्रत्याशा, ये सब क्या है, विकास के मापने के संकेतक है, ठीक है बच्चे। सकल घरेलू उत्पाद का अर्थ, सकल घरेलू उत्पाद क्या है भैया, ये देश में उत्पादित एक वर्ष में आपको क्या क्या वर्ड याद करना है, ठीक है, हम देश के परिप्रेक्ष्य में बोलेंगे या आप उसको राज्य बोल सकते हो, है ना, जब अर्थव्यवस्था के संदर्भ में देश को राज्य बोला जाता है, ठीक है। अंतिम उत्पाद मूल्य एक वर्ष, ठीक है, इतना याद कर लो। किसी देश या राज्य में उत्पाद एक वर्ष में उत्पादित अंतिम उत्पादों का मूल्य होता है, सॉरी क्या बोला, किसी देश में एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं का मूल्य होता है, ठीक है, उस राज्य के किसी एक वर्ष के दौरान सभी उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य, वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य जो भी उत्पादित हो रहा है उसका अंतिम मूल्य ही क्या होगा, एक साल का सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है, और यही देश के क्या होता है, जीडीपी, किसी देश के विकास को मापने की एक महत्वपूर्ण इकाई होती है, ठीक है बच्चे। चलो
अगला प्रति व्यक्ति आय को समझाइए। हमने पूरे देश की आय निकाल ली, अब क्या करेंगे भाई? पूरे देश की आय समझ लो, एक देश की आय 1000 है और वहां 100 लोग रहते हैं, ठीक है, तो कितना हो गया, एक जन को कितना मिल रहा है, 10 रुपए, तो ये क्या होगी, प्रति व्यक्ति आय, ठीक है। तो किसी देश की राष्ट्रीय आय को उसकी कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो आय प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं, प्रति व्यक्ति आय। क्या कहते हैं, प्रति व्यक्ति आय, मतलब उस देश की जनसंख्या जितनी है और उस देश की आय जितनी है उसको हम भाग दे दें तो क्या मिलता है हमें, प्रति व्यक्ति आय। तो क्या बताइए, सभी लोग 10 रुपए कमाते होंगे, ये जो 100 लोग है क्या हर किसी की आय 10 रुपए होगी? नहीं, यह औसत आय होती, वास्तविक आय नहीं। किसी की आय हो सकती 15 रुपए हो, किसी की 50 रुपए, किसी की 10 रुपए, किसी की 2 रुपए, ठीक है। तो ये क्या होती, आय में असमानता होती, इसलिए देश के कुल उत्पादन से हम समाज के आय का अंदाजा लगा सकते हैं, इसलिए हम प्रति व्यक्ति आय को एक सूचक मानते हैं, ठीक है। तो हम एक अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर प्रति व्यक्ति आय इतनी है तो उस देश की अर्थव्यवस्था कहाँ तक संचालित हो रही है और उस देश का विकास कितना हुआ है, और इसी के आधार पर हम देशों को विकसित और विकासशील देशों में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, ठीक है बच्चे। तो आपको ये प्रति व्यक्ति आय समझ आ गई, किसी देश की राष्ट्रीय आय को जब उसकी कुल जनसंख्या से डिवाइड करते हैं तो आपको क्या मिलता है, प्रति व्यक्ति आय, ठीक है। चलो आगे, सार्वजनिक सुविधाओं की सूची बनाइए, ठीक है। सार्वजनिक सुविधाएं क्या है भाई, जो सबके हित के लिए हो, है ना, जैसे बिजली हो गया, पानी हो गया, शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य सुविधाएं, ये सब क्या है, सार्वजनिक सुविधाएं है जो हर किसी को चाहिए। मुझे भी अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं चाहिए, मुझे भी अच्छी शिक्षा चाहिए, आप अपने घर में पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको भी बिजली चाहिए जिससे आप मोबाइल में पढ़ पाएंगे, आपको अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं चाहिए जिससे आप अच्छे स्वस्थ रहोगे तो एग्जाम दे पाओगे तो कुछ बन पाओगे, है ना। शिक्षा का स्तर चाहिए कि आपका स्कूल अच्छा होना चाहिए, आपके टीचर अच्छे होने चाहिए, तो ये सब क्या है, हमारी सार्वजनिक सुविधाएं हैं, ठीक है। स्वच्छ वातावरण चाहिए ताकि हम बीमारियों का फैलाव ना हो, हम प्रदूषित जगह पे ना रहे, सुरक्षा है तो सुरक्षाकर्मी जो आपके, जैसे पुलिस हो गई, हमारी देश की सेना है, ये जब सुरक्षित हमारा सुरक्षा करेगी तभी तो हम सुरक्षित अपने घरों पे रह पाएंगे, ठीक है। स्वच्छ पेयजल, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, मतलब जो आपके हमारे गाँव को मिलता है ना 10 रुपए चावल हमारे राशन दुकानों से, ये वही सार्वजनिक वितरण प्रणाली। तो ये जब सब मिलेगी तो ये क्या होगी, सार्वजनिक सुविधा जिससे हर कोई कम से कम अपने लिए मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके, ठीक है बच्चे। चलो आगे चलते हैं, साक्षरता दर क्या दर्शाती है, एक डबल हो गया है, क्या दर्शाती है भाई, साक्षरता दर 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों की साक्षर जनसंख्या के अनुपात को बताती है। मतलब अगर किसी देश में 100 लोग हैं तो 15 वर्ष से कितने लोग हैं जो पढ़ना लिखना जानते हैं, तो ये क्या होगी, साक्षरता दर, ठीक है। ऐसा लोग है, शायद ऐसा हो सकता है कि 15 वर्ष से, जैसे किसी देश में 100 लोग हैं जिसमें 15 वर्ष से अधिक 70 लोग हैं, ठीक है, तो उसमें कितने लोग साक्षर हैं, मतलब ये पढ़ना लिखना जानते हैं, तो यही दर क्या हो जाएगी, उस देश की साक्षरता दर, ठीक है। जैसे ये 70 में कितने लोग होंगे, 35 लोग पढ़ना लिखना जानते होंगे, तो ये क्या कहलाएगी, 35% उस देश की साक्षरता दर, ठीक है। तो ये यदि हम सबके लिए स्कूलों की व्यवस्था कर रहे हैं तो आने वाली पीढ़ियों में यह साक्षरता दर बढ़नी चाहिए, ठीक है। तो अगर हम इसको, शिक्षा का स्तर अच्छा होगा, हम अच्छा पढ़ेंगे, अच्छे स्कूल इस्टेब्लिश होंगे, तो क्या होगा, हमारे सभी लोग भाई बहन पढ़ेंगे, जब सभी भाई बहन हम लोग पढ़ेंगे तो क्या करेंगे, हम देश की विकास में सहायता करेंगे, तो क्या होगी, फिर देश का विकास होगा। तो अगर हमें देश का विकास करना है तो सभी को क्या करना होगा, शिक्षित करना होगा, इसलिए विकास के मायने में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, शिक्षा और स्वास्थ्य, ठीक है बच्चे। चलो आगे, जीवन प्रत्याशा क्या है, जीवन प्रत्याशा क्या है भाई, कि हमारे जीने की उम्र, ठीक है। जन्म के समय एक व्यक्ति की औसत अनुमानित जीवन काल को दर्शाती है, यह मान लगाती है कि बच्चा कितने वर्षों तक जीवित रह सकता है, मतलब हमारे जीवन काल, समझ लीजिए सिंपल भाषा में, हमारा जीवन काल कितना रहने वाला है, ये यही दर्शाती है, ठीक है। कि जन्म के समय एक व्यक्ति की औसत औसत आयु कितनी होगी, ठीक है, जन्म के समय एक बच्चे की औसत आयु कितनी होगी, यह दर्शाती, ठीक है। जैसे अगर कोई बच्चा जन्म ले रहा है तो वो 10 वर्ष जीवित रहेगा, 15 वर्ष, 16 वर्ष, 55 वर्ष, तो ये किसी देश में जब एक औसत आयु निकाल जाती है कि इस देश में अगर इतने बच्चे जन्म ले रहे हैं तो वो कितने वर्ष जिएंगे, तो यही पूरे देश की क्या होती है, जीवन प्रत्याशा, ठीक है। चलो आगे, शिक्षा किसी देश के विकास के लिए क्यों आवश्यक है, क्यों आवश्यक है भाई, बताइए। जब हम शिक्षित होंगे
तो हम अच्छी जगह काम करेंगे, हम अच्छी जगह काम करेंगे तो हम क्या करेंगे, अपने घर वालों को अच्छी सुविधाएं प्राप्त करा पाएंगे, अच्छी सुविधाएं प्राप्त कराएंगे तो क्या होगा, देश के हम विकास में सहयोगी बनेंगे, और जब देश के विकास में सहयोगी बनेंगे तो क्या होगा, देश का विकास ऑलरेडी होगा। जैसे अभी हमारे यहाँ हमने कक्षा 9वीं में पढ़ा था कि कितनी अर्थव्यवस्थाएं होती हैं, हमारी अर्थव्यवस्था कितने प्रकार है, 3, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। जिसमें प्राथमिक में क्या होता है, कृषि संबंधित सेवाएं होती हैं, दूसरा द्वितीयक उद्योग संबंधित, और तृतीयक है सेवा क्षेत्र। ठीक है, तो हमारी देश की जनसंख्या ज़्यादातर किसमें लगी है, कृषि क्षेत्र में, लेकिन उसका जो जीडीपी में योगदान होता है अभी भी कम होता है। तो जब ये जो कृषि क्षेत्र में लगे क्यों है ज़्यादातर, क्योंकि वो शिक्षा अच्छी ग्रहण नहीं कर पाए हैं। अगर ये अच्छी शिक्षा ग्रहण करेंगे तो क्या करेंगे, ये उद्योग क्षेत्र में या सेवा क्षेत्र में, ये जो उद्योग क्षेत्र सेवा क्षेत्र में लगभग 57% हमारा जीडीपी में योगदान होता है, लेकिन इसमें रोजगार केवल 17% को मिला है। वहीं जो हमारा सेकेंडरी उद्योग क्षेत्र है वहाँ लोग बहुत ज़्यादा काम करते हैं, और वो भी क्या रोजगार, मतलब वो मजदूर की तरह काम करते हैं, क्यों, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है। तो जब वो अच्छे पढ़े लिखे होंगे, उनका शिक्षा का स्तर अच्छा होगा, तो वो क्या होंगे, अच्छी जगह काम करेंगे, उनकी आय में वृद्धि होगी, फिर वो जो देश के विकास के योजनाओं में क्या होंगे, सहयोगी बनेंगे। कैसे बनेंगे भाई, जब आय अच्छी होगी तो वो टैक्स पे करेंगे, टैक्स पे करेंगे तो क्या होगी, जो सरकार को पैसे चाहिए विकास के लिए वो ज़्यादा मिलेगी, है ना। तो इससे क्या होगा, देश का विकास होगा। इसलिए शिक्षा क्या है, किसी भी देश के विकास के लिए बुनियादी ज़रूरत है। ठीक है, चलो आगे, आय के असमान वितरण के प्रभाव को समझाइए। आय के असमान वितरण मैंने बताया था क्या होता है भाई, कि किसी एक के पास क्या होगा, 2 व्यक्ति हैं, चलिए ये देखिए 2 वर्ग हैं, ये क्या है, उच्च आय वर्ग, निम्न आय वर्ग। ठीक है, इसमें जनसंख्या ज्यादा है, इसमें जनसंख्या कम है, लेकिन इनके पास क्या है, 1,000 रुपये हैं, और इनके पास केवल 100 रुपये हैं प्रति व्यक्ति। तो क्या हुआ, उच्च आय वर्ग लोग कम है लेकिन इनके पास आय ज़्यादा है, निम्न आय वर्ग के लोग ज़्यादा हैं लेकिन इनकी आय कम होगा। इससे क्या होगा भाई, जो मूलभूत सुविधाओं की जरूरत है, मूलभूत आवश्यकता है, ये बहुत ज़्यादा अच्छे से पूरी कर पाएंगे, और ये क्योंकि इनके घर में ही लोग बहुत ज़्यादा होते हैं तो ये अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति भी क्या करते हैं, अच्छे से नहीं कर पाते। जैसे उच्च आय वर्गों के पास पैसा ज़्यादा है, निम्न आय वर्गों के पास पैसा कम है, इससे क्या होता है, इस बड़े वर्ग, ये बड़े वर्ग कौन सी होगी, निम्न आय वर्ग वालों में ज़्यादा जनसंख्या है, तो इस बड़े वर्ग को अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाना संभव नहीं होता। देश की बड़ी आबादी गरीबी में जीवन यापन करती है, स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास जैसी सुविधाओं से वंचित रह जाती है। तो ये क्या हुआ भाई, इसका कारण हुआ कि प्रभाव क्या है, ये बहुत बड़ी जो जनसंख्या है वो शिक्षा, स्वास्थ्य, जरूरी सेवाओं से क्या होती है, वंचित हो जाती है। ठीक है, तो आपको ऐसा आप आंसर अपने बनाना है। ठीक है, चलो हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। उपभोग व्यय किस प्रकार विकास मापने का सूचक है। उपभोग व्यय, पहले हमने विकास को मापने का सूचक क्या देखा था, चलो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्या क्वेश्चन है, उपभोग व्यय किस प्रकार विकास मापने का सूचक है। कैसे अभी उपभोग व्यय, उपभोग व्यय भी विकास को मापने का एक प्रमुख संकेतक है, क्योंकि इसे लोगों के द्वारा अपनी आवश्यकताओं की वस्तुओं एवं सेवाओं पर किए गए खर्च की जानकारी मिलती है। क्या मिलती है भाई, अपने जो मूल आवश्यकता है उस पर वो लोग कितना खर्च करते हैं। जैसे हमने पहले क्या देखा, आय के आधार पर, है ना, कि लोगों की आय कितनी है इसके आधार पर विकास को देखते हैं, लेकिन आय से क्या होता है, असमानता है, क्योंकि किसी को 100 रुपये कमा रहा है कोई, 500 रुपये कोई, 1,000 रुपये कोई, 1,00,000 रुपये। लेकिन अगर उपभोग व्यय को देखें कि कोई कितनी अपनी आवश्यकताओं के लिए खर्च करता है, तो हम वो क्या होंगे, विकास को हम समझ पाएंगे कि वो खर्च कितना कर पा रहा है, तो उसकी एबिलिटी कितनी है, तो वो विकास के स्तर पर कहाँ पर है। तो इसलिए उपभोग व्यय को भी विकास के मापने का सूचक देखा जाता है। ठीक है, आगे, महिलाओं की बेहतर शिक्षा के लिए क्या क्या उपाय किए जाना चाहिए, है ना। जैसे हमने देखा था कि देश में विकास करना है तो शिक्षा एक महत्वपूर्ण कारक है, और शिक्षा महिलाओं में शिक्षा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण कारक क्यों है, क्योंकि हमारे जो समाज है वहाँ पुरुष और महिला दोनों हैं। तो क्या, जब महिलाओं को शिक्षा मिलेगी तो क्या होंगी, वो जो समाज में है बराबर के स्तर पर आएंगी, बराबर के स्तर पर आएंगी, तो अपने जो अधिकार हैं उसके लिए खुलकर बोल पाएंगी, अपनी आवाज़ उठा पाएंगी, तो इससे क्या होगा, उनको भी समान अधिकार मिलेगा, तो वो भी क्या विकास के, देश के विकास में उतनी ही सहभागिता निभा पाएंगे। ठीक है, तो पुरुषों के समान महिलाओं को शिक्षा
कि बेहतर अवसर उपलब्ध होने से उनकी प्रतिभा का विकास होता है, साथ ही समाज में बालिकाओं और महिलाओं को अपनी बात रखने का मौका मिलता है। बिल्कुल सही बात, क्या होता है उनको समाज में उनकी सहभागिता भी बढ़ेगी, उनको अपने अधिकार के बारे में बोलने का मौका भी मिलेगा। ठीक है, समाज में महिलाओं को बात सुनने का वातावरण उत्पन्न होने से उनकी भूमिका बदलती है। जब हम क्या सोचते हैं, हमारा जो देश है पुरुष प्रधान देश है, तो इसमें क्या है? जो हर हमारे घर के जो हम अपने घरों में भी देखते हैं कि जो अधिकतर फैसले होते हैं है ना, वो कौन लेते हैं? पापा लोग लेते हैं या हमारे भैया पापा लोग बैठ चाचा लोग बैठ के लेते हैं। लेकिन मम्मियों को क्यों शामिल नहीं किया जाता है? क्योंकि वो उतनी पापा लोग के बराबर शिक्षित नहीं होती। लेकिन अगर वो उतनी शिक्षित हों, दोनों समान पढ़े लिखे हों, तो क्या होगा, जो घर के अहम फैसले होंगे या कुछ काम होगा उसमें इनकी भी उतनी सहमति ली जाएगी। इसलिए क्या है, देश के विकास करना है तो पुरुषों के साथ हमको महिलाओं को भी इक्वली अपॉर्चुनिटीज देनी होगी, दोनों को उतनी ही शिक्षा देनी पड़ेगा। अब महिलाओं को शिक्षा देने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं भाई, कि उनको शिक्षा उपलब्ध कैसे कराया जा सकता है? तो महिलाओं को उच्च शिक्षा पर जोर देकर कि केवल हम 10वीं 12वीं के बाद अपनी, जैसे बहुत सारे क्या होते हैं हमारे गांव साइड क्या होती है, लड़कियां 10वीं 12वीं के बाद पढ़ाई छोड़ देती है, तो हमें उच्च शिक्षा के लिए क्या होगा करना होगा, उनको प्रेरित करना होगा। दूसरा, ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालयों की स्थापना, क्या होता है बहुत जगह कि दूर है स्कूल करके हम क्या करते हैं, लड़कियों को भेजते नहीं है, तो अगर ग्रामीण क्षेत्रों में ही स्कूल खुल जाएंगे तो लड़कियां स्कूल जा तो पाएंगी। लड़कियों के लिए शिक्षा को अनिवार्य कर दिया जाए, कि सरकार बोल दे कि लड़कियों को पढ़ना ही है, आपके घर में लड़की है हो या लड़का, सभी को शिक्षा अनिवार्य है, तो क्या होगा, हर कोई अपने हर माँ बाप अपने क्या होगा बच्चियों को भेजेंगे, तो उनको क्या लगता है चलो लड़का है तो भेज देते हैं, लड़की है तो चलो घर के काम कर लेंगी, या इसको तो शादी करके जाना है, वो ये नहीं समझ पाती कि वो भी अपने देश का अहम हिस्सा है, तो वो भी पढ़ लिख कर आगे कुछ कर सकती है। तो क्या अगर अनिवार्य शिक्षा कर देंगे तो लड़की भी स्कूल जाएगी, लड़का भी स्कूल जाएगा। अगला, निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान, जैसे अभी भी कहा हमारे देशों में क्या सोच है कि हम लड़कियों की शिक्षा पे ज़्यादा खर्च नहीं करते, आखिर इसको शादी करके पराए घर जाना है, या लड़कियों की शिक्षा में क्यों करना, इनको क्या बनना है, तो अगर हम निःशुल्क शिक्षा करें तो माँ बाप क्या सोचेंगे, चलो इनको शिक्षा जाने दो, जैसे हम जाते हैं स्कूल है ना, हम सब कई लोग सरकारी स्कूल में पढ़ते, तो क्या हुआ, शिक्षा सबके लिए ज़रूरी। ठीक है बच्चे, महिला सुरक्षा पर विशेष ध्यान, बहुत ज़्यादा लोग बच्चियों को स्कूल क्यों नहीं भेजते, क्योंकि आसपास का जो वातावरण है या जो हमारे समाज में परिदृश्य चल रहा है वो लड़कियों के लिए कई बार क्या होता है, सुरक्षित नहीं होता। तो अगर महिलाओं के लिए सुरक्षा बढ़ेगी तो हर बच्ची क्या होगी, अच्छे से स्कूल जा पाएगी, और हर बच्ची स्कूल जा पाएगी तो क्या होगी, अच्छे से आगे बढ़ेगी और देश के विकास में सहभागिता निभाएगी। ठीक है बच्चे, तो आपको आंसर इस तरीके से लिखना है। ठीक है, अगला, भारत को कैसे विकसित किया जा सकता है। अब इसका आंसर तो फिर मैं, जैसे मैं कहती हूँ, आपको देना होगा। ठीक है, आपको देना होगा, इट मीन्स क्या है, विकसित कैसे किया जा सकता है, अच्छी शिक्षा देकर, स्वास्थ्य सुविधाओं को विकसित करके, सार्वजनिक जो सुविधाएं हैं उनको अच्छे बेहतर करके, सार्वजनिक वितरण प्रणाली करके, तो ये सब आंसर आपको लिखने होंगे। क्या क्या आपको डालना होगा, इसमें आपको शिक्षा को डालना होगा, ठीक है, स्वास्थ्य सेवाओं को डालना होगा, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, इन सबको विकसित करके, अच्छी सड़कें, शिक्षा अच्छी होनी चाहिए, स्वास्थ्य होना चाहिए, सार्वजनिक वितरण प्रणाली अच्छा होना चाहिए, जिससे हर किसी को अनाज मिल सके, अपने जो बेसिक चीज़ें हैं वो उनकी फुलफिल हो सके, सड़कें अच्छी होनी चाहिए, अच्छे भवन निर्मित होने चाहिए जिससे लोगों को एटलीस्ट मिनिमम 2 कमरे का मकान तो मिले कि वो रह पाए। इसलिए क्या चल रहा है, प्रधानमंत्री आवास योजना चल रहा है, मुख्यमंत्री आवास योजना चल रही है, तो ये सब चीज़ें क्या हैं जिससे हम देश को विकसित कर सकते हैं, है ना बच्चे। तो इसको अपनी समझ से आपको आंसर लिखना है, क्योंकि अगर आप रटा रुटाए आंसर लिख दिया कहीं बुक से देख के तो क्या होगा, इंजीनियर आपको मार्क्स नहीं देगा। जब आप अपनी समझ से आंसर लिखोगे कि आपके आपके अनुसार विकसित क्या देश को विकसित कैसा होना चाहिए, आप अपने आसपास के परिदृश्य को देख के लिखोगे अपनी सोच से, तब आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे बच्चे। ठीक है, इनको आप आधार मान सकते हो और इसके बाद आप अपना आंसर फ्रेम कर सकते हो। ठीक है, तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। रटा रुटाया लिखोगे, वही घिसा पिटा आंसर लिखोगे तो अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, चलो अगला, औसत आय के वितरण की असमानताएं छिपी होती हैं। समझाइए, औसत आय से आय के वितरण की असमानताएं छिपी होती है। मतलब अगर हम जैसे देख रहे थे कि हम क्या करते हैं, प्रति व्यक्ति आय निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, देश की कुल जनसंख्या से देश की कुल आय से कुल जनसंख्या को भाग दे दिए, तो इससे क्या पता चल पाता है क्या कि एक व्यक्ति, गरीब व्यक्ति कितना कमा रहा है, अमीर व्यक्ति कितना कमा रहा है? नहीं, इसमें क्या होता है, आय का जो असमानता है वो छिपी होती है ना,
किसी देश की राष्ट्रीय आय को उसकी कुल जनसंख्या से भाग देकर आय प्राप्त होती है उसे प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। लेकिन इसमें आय का वितरण असमान कैसे है भाई, कि निम्न वर्गों के पास क्या होता है, बहुत कम पैसे आते हैं और उच्च वर्गों के पास बहुत ज्यादा पैसे आते हैं, लेकिन इसे ये नहीं समझ पाते कि कौन कितना कमा रहा है। अगर हम बोल दें कि हमारे देश की औसत आय सबकी क्या है, 10,000 है, लेकिन क्या ये निम्न वर्ग वाला हर कोई 10,000 कमा रहा है और क्या ये उच्च वर्ग वाला केवल 10,000 कमा रहा है? क्या ये केवल 10,000 कमा रहा है और क्या ये 10,000 कमाने के लायक है? नहीं। इसलिए क्या इसमें आय की असमानता छिपी होती है, क्योंकि जो आय का बड़ा भाग है वो इनके पास होता है और आय का बहुत छोटा भाग इनके पास होता है। तो इसमें बहुत सारी असमानताएं छिपी होती है कि हम ये नहीं बता पाते हैं कि किसके पास कितना आय है और कितना आय कम है। तो आपको आंसर ये से लिखना है, ठीक है? तो इसमें पहले क्या बताओगे, प्रति व्यक्ति आय, कि जब हम देश की कुल जनसंख्या आय को जनसंख्या से भाग देते हैं तो उस देश की कुल आय निकलती है, लेकिन ये आय का क्या है, ये वास्तविक आय नहीं होती, ये औसत आय होती है। इस आय के आधार पर हम हर वर्ग के लोगों की आय नहीं निकाल सकते। इसमें क्या होता है, निम्न वर्गों के पास बहुत कम आय होती है, उच्च वर्गों के पास बहुत ज्यादा आय होती है, लेकिन औसत आय से क्या होती है, इनके हम वास्तविक आय का पता नहीं लगा पाते, इसलिए देश के विकास का बहुत सटीक सूचक नहीं होता है। ठीक है, आप इतना आंसर लिखेंगे बच्चे, ठीक है? मैंने ये पूरा आपको चैप्टर समझा दिया और इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, लिख के ले लो, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। अगर ये चैप्टर के कॉन्सेप्ट को भी समझ लिए तो हो सकता है आपके जो क्वेश्चन है उसके वर्ड चेंज हो जाए, लेकिन कॉन्सेप्ट यही रहेगा, आंसर यही रहेगा। तो आपको इन्हीं चीज़ों को दो बार सुन लो और ये चैप्टर तैयार है ना। तो हमने इकाई एक खत्म कर लिया है, इकाई एक में संसाधन और विकास, भूमि संसाधन और विकास की समझ, इसमें मैंने 2 मार्क्स के क्वेश्चन को तैयारी कराई है, कुछ एक आध हो सकते हैं जो 4 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है? इसके जस्ट वीडियो अगले वीडियो में क्या है, मैं एमसीक्यूज को बता दूंगी, क्योंकि मैं एमसीक्यूज को बाद में इसलिए बताती हूँ कि जब आप पूरे चैप्टर को समझ लोगे तो एमसीक्यूज एकदम 2 मिनट में बना दोगे, ठीक है बच्चे? तो अगले वीडियो में हम मिलते हैं, तब तक आप अपनी जो पूरा वीडियो है उसके अच्छे से आंसर लिखो और नोट्स बनाओ, ठीक है? तब तक बेस्ट ऑफ लक, आगे अपनी तैयारी अच्छे से करते रहो।